हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जहां मैंने आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 5 का, 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, वो लोग जाके जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तीन का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका यूज क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलता है। तो तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग तीन से कटता है, तो फ्रेंड्स वह संख्या तीन से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? यानी इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं सम ऑफ डिजिट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। यानी कोई भी संख्या दिया गया है फ्रेंड्स, उनके अंकों का सम अगर तीन से कटता है, तो मैं कह दूंगा कि वह संख्या तीन से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 5, 4, जैसे यही आपके पास है फ्रेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा। देखिए, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, इसका सम फ्रेंड्स 15 आ गया। अगर मैं 3 से भाग कर दिया, तो यानी इनका जो सम ऑफ डिजिट है वो भी किससे कट गया? 3 से कट गया। तो मैं कह दूंगा कि यह संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? तो यानी आप सभी लोगों को पता है कि यानी कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है, तो वह नंबर 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स 9 की। किसकी बात करते हैं? 9 की। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स? सम ऑफ डिजिट। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है फ्रेंड्स, तो वह संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? यानी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल, यानी डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 9। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर फ्रेंड्स किससे कटता है? 9 से, तो वह संख्या 9 से पूरी तरीके से कटेगी। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं 5, 4, 2, 2, 3, 2। क्लियर है? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया फ्रेंड्स, एग्जांपल क्या है? 5, 4, 2, 2, 3, 2। क्लियर है? ये आपके पास एग्जांपल है। देखिए, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18। यानी फ्रेंड्स 18 आ गया इनका सम ऑफ डिजिट अगर 9 से काटते हैं। तो अब 18 9 से कट गया, तो मैं देख के बता दूंगा फ्रेंड्स ये संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका यूज रिमाइंडर निकालने में भी किया जाता है। क्लियर है? अब रिमाइंडर निकालने में फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए, 9 बहुत कमाल की संख्या है फ्रेंड्स। इसकी खासियत क्या क्या है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप सभी लोग फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको 26 दे दिया, हमने कहा 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कितनी बार ले जाएंगे? 9 दूनी 18, तो यानी 16 में से 8 गया 8, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 8। बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब देखिए, यानी आप अगर 26 में 9 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ गया? अगर मैं इस संख्या को आपस में जोड़ दूं तो भी कितना आ जाएगा? 8 ही, तो भी रिमाइंडर 8 आ गया। तो इसी को डिजिटल सम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड? डिजिटल सम। क्या है? किसी भी संख्या में जो है 9 से भाग करने पर जो उसका रिमाइंडर बचता है, वही क्या है? डिजिटल सम है। क्लियर है? बहुत सारी बातें हैं, जैसे 35 है, 35 में फ्रेंड्स 9 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? कितना रिमाइंडर आएगा? अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैं इसको 9 से 35 में भाग करूंगा, 9 3 27, कितना आ जाएगा? 9 3 27, 15 में से 7 गया तो भी 8 आया। अगर मैं इसको आपस में जोड़ दूं तो भी 8 आ गया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे है 3, 2, 5, 1, 2, 3, इसमें 9 से भाग करने के आपसे रिमाइंडर पूछे, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ डिजिट निकालना है। सम ऑफ डिजिट निकाल देंगे, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13, और 13, 3, 16,
फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से 16। अब 16 को फिर से आपस में जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 7। यानी इस संख्या में फ्रेंड्स 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। सम ऑफ डिजिट कब तक करेंगे फ्रेंड्स, जब तक कि जोड़ने में सिंगल डिजिट ना मिल जाए, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो यानी इसका यूज हम रिमाइंडर निकालने में भी करते हैं। ये तो एक 9 की खासियत है। अगर आपसे रिमाइंडर पूछे, अगर किसी भी संख्या में 9 से भाग कर रहे हैं तो सीधा सीधा उसका क्या निकालिए, सम ऑफ डिजिट। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, सीधा सीधा सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, क्लियर है। अब मैं दूसरी खासियत 9 की क्या बताता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिएगा। अब दूसरी खासियत 9 की ये है फ्रेंड्स, आपको कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 9 × 1 करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 9। 9 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 18। और इसको आपस में जोड़ देंगे फिर आ जाएगा सम ऑफ डिजिट 9। अगर मैं 9 × 3 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 27। फिर इसको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। फिर 9 × 4 करता हूँ कितना आ जाएगा 36। फिर इसको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 9। अगर मैं 9 × 5 करता हूँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 45। आपस में जोड़ूंगा 9। तो यानी यहाँ से एक बात क्या निकल के आई फ्रेंड्स, अगर मैं 9 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आता है। इस बात का ध्यान देना, क्या हमने बताया, 9 का अगर मैं किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैं इतनी बड़ी संख्या ले लिया 9, 9 × 27 के साथ 2 आ गया, 9 × 2 = 18, 2 × 20 की 0, 2 आ गया, 9 × 1 = 9, 2 = 11, क्लियर है। अब इसका सम ऑफ डिजिट देखिए 7 + 8 = 9। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो फ्रेंड्स, अगर उसके चाहे फैक्टर में 9 आए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9 से किया जाए तो इसका मतलब वो संख्या जो है 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे मैं आपसे कह दूं 3528 × 27, अब 27 में भी फ्रेंड्स 9 आता है। अब इसका जो भी फ्रेंड्स मल्टीप्लाई आएगा उसका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 9 ही आएगा, क्लियर हो गई बात। तो 9 बहुत ही खास नंबर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है, क्लियर हो गई बात। 9 के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, यानी किसी भी संख्या में भाग करने पे, यानी मुझे भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो यानी वो 9 का रिमाइंडर आ जाता है, क्लियर है। और किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है, क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग चलते हैं 7, 11, 13, क्या चलते हैं फ्रेंड्स 7, 11, 13 की तरफ चलते हैं। ये भी डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। 7, 11, 13 का एक साथ लगाइए फ्रेंड्स, 7, 11, 13। देखिए 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 3 3 डिजिट की संख्या है, किसकी संख्या है, 3 डिजिट की कोई संख्या है और 3 डिजिट की कोई संख्या है, क्लियर है। और उन दोनों के बीच का फ्रेंड्स डिफरेंस अगर मान लीजिए उसका डिफरेंस फ्रेंड्स अगर 7, 11, 13 से कटता है तो मैं कह दूंगा कि वह संख्या 7 से, अगर देखिए कोई भी संख्या है मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट की, अगर 3 डिजिट नहीं रहेगा तो हम लोग बना लेंगे, क्लियर है। अगर उनका डिफरेंस 7 से कटता है तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगी, अगर उसका फ्रेंड्स डिफरेंस 11 से कटता है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी, अगर उसका डिफरेंस 13 से कटता है तो फ्रेंड्स वह संख्या भी 13 से कट जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आएगी नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बातें हमको समझ में आ गई है। देखिए हम बात करते हैं, अब यहाँ ध्यान समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 3636 36 36, क्लियर है, मैंने यही आपको एक एग्जांपल ले लिया 3636 36 36, क्लियर है। इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस 3 3 का हमने कहा है पेयर बनाना है, क्या बनाना है फ्रेंड्स 3 3 का पेयर बनाना है, क्लियर है। अब देखिए 363 और 636 के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं तो देखिए यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, यहाँ से 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 13 में से 6 गया 7, तो यहाँ कितना बच गया फ्रेंड्स 5 में से 3 गया 2, 273 273 फ्रेंड्स क्या 7 से कटेगा, 7 से भाग करेंगे 7 × 21 7 × 63, हाँ 7 से कट रहा है तो मैं कह दूंगा कि यह संख्या 7 से कट जाएगी, क्लियर है। अगर मैं 11 से चेक करूँ, किससे चेक करूँ फ्रेंड्स 11 से, तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी,
क्या फ्रेंड्स ये संख्या 11 से कटेगी? तो देखिए 11 दूनी 22, 11 से नहीं कटेगी तो मैं कह दूंगा कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्लियर है। अगर मान लीजिए ये संख्या 13 से कटती है, 13 दूनी 26, 13 इकन्ना 13, तो मैं कह दूंगा कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो मैं कह दूंगा कि यह संख्या 13 से भी कट जाएगी, क्लियर है। देखिए बातें समझ में आई कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। यानी तीन तीन का पेयर बना के उनका पेयर का डिफरेंस अगर 7 से कटता है तो संख्या 7 से कटेगी फ्रेंड्स, अगर 11 से कटता है तो 11 से कटेगी, अगर 13 से कटता है तो 13 से कटेगी। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास लगातार 6 अंकों की संख्या है, क्लियर है, मान लीजिए यही संख्या है। अब क्या संख्या किससे कटेगी? तो अब देखिए सबसे पहले तीन तीन का पेयर बनाइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 0। अब फ्रेंड्स 0 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो मैं कह दूंगा कि यह संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होगी कि यह संख्या 7 11 13 दोनों से कट जाएगी, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। किसका? 11 का जो है हम लोग स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल क्या है? चलिए फ्रेंड्स देखिए आपको 11 का जो है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल देखना है। जैसे मैं ले लूं 7 8 9 7 8 9, जैसे मैंने ले लिया, क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको देखना है, हमने एग्जांपल जैसे फ्रेंड्स ले लिया किसका, 7 8 9 7 8 9, क्लियर है। आप चाहे देखिए इधर से डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ से 9 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 7 में से फ्रेंड्स अगर मैं 9 घटा दूंगा कितना आ जाएगा माइनस का 2, 8 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। अगर इनका सम यानी फ्रेंड्स कोई भी नंबर लिया गया, इनके बीच के डिफरेंस का सम अगर 11 से कटता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर मैं इनका सम लूं 1 -2 +1, अब फ्रेंड्स इनका डिफरेंस देखिए, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 0, या तो 0 आ जाए फ्रेंड्स या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो इसका मतलब मैं देखते ही बता दूंगा फ्रेंड्स कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ फ्रेंड्स, यानी कोई भी नंबर दिया गया है उन नंबर के जो है उन नंबर के बीच के सम यानी उन नंबर के बीच के डिफरेंस का सम अगर 11 से कटता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, बड़े आसानी से आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। देखिए आप इधर से भी चेक कर सकते हैं और इधर से भी, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे 7 8 9 7 8 9, आपको एक ही तरफ से डिफरेंस लेना है। जैसे मैं 8 से 9 घटा दिया तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 9 से 7 घटा दिया तो फ्रेंड्स कितना आ गया 2, और 7 में से 8 घटा दिया माइनस का 1, इनका सम ले लिया गया तो कितना आ गया 0। तो मैं देखते ही बता दूंगा कि यह जो संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 8 3 7 1 4 4, 8 3 7 1 4 4, अभी मैं ये नंबर चेक कर लेता हूँ, क्लियर है, अभी मैं ये नंबर चेक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं ये नंबर चेक करता हूँ तो देखिए कैसे करेंगे, हमने कहा कि सबसे पहले सबके बीच का डिफरेंस, चाहे जैसे डिफरेंस लीजिए, मैंने इस तरह डिफरेंस लिया 0 आ गया, 7 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा फिर 6, और 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यानी इनका सम, यानी देखिए हमने क्या किया, दो दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस का सम कितना आ गया 11, तो मैं कह दूंगा कि ये संख्या 11 से पूरे तरीके से कट जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे आप सभी लोग, इसको इसका डिस्कशन हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।